जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, अपने करियर में आप ढेर सारी सक्सेस हासिल करें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 111 में। डियर, आप जिनसे प्यार करते हैं, जिनके बारे में आप दिन रात सोचते हैं, उनके दिल में क्या चल रहा है आपके लिए, उनके दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है, उनकी क्या फीलिंग्स हैं, उनका क्या एक्शन है, क्या सिचुएशन है, सब कुछ बताने वाले हैं इस रीडिंग में। ठीक है, तो आपको क्या करना है, लंबी सी गहरी सांस लेनी है और एक ऑप्शन चूज़ करना है और देखना है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। एक बात और, अगर किसी वजह से जो ऑप्शन आपने चूज़ किया है वो आपसे मैच नहीं करता, वो आपसे रेजोनेट नहीं करता, तो आप दूसरा ऑप्शन भी सुनकर देखिए, हो सकता है कि वो आपसे मैच कर जाए। डियर, क्या होता है कि जर्नल रीडिंग होती है, कभी कभी कुछ चीज़ें मैच कर जाती हैं लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें मैच नहीं करती हैं, इस वजह से आपको दूसरा पायल भी ज़रूर से ज़रूर सुनकर देखना चाहिए। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 111 में। डियर, आप जिनसे बहुत प्यार करते हैं, जिनके बारे में आप दिन रात सोचते हैं, इनके साथ आपका कैसा भी कनेक्शन है लेकिन इस वक्त इनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, इनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेकर, सबसे पहले इधर साइन और एलिमेंट्स की बात कर लें, इसके पहले कि हम भूल जाएं। इधर फायर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। उसके बाद है यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि। ठीक है, देखिए उसके बाद है यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, लेकिन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि यहाँ पर बहुत कम है, इस साइन के लोग बहुत कम हैं। अब हम जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, आपकी और उनकी दोनों की एनर्जी हम चेक कर रहे हैं, ठीक है, तो हम इनके और आपके नेम के इनिशियल की बात करते हैं। ये आपका भी नाम हो सकता है और उनका भी हो सकता है, ए बहुत स्ट्रॉन्ग है, ए से आपका भी नाम हो सकता है और उनका नाम भी हो सकता है। ए, टी भी यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है, पी से उनका नाम हो सकता है, समझ रहे, और आपका भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर दोनों की एनर्जी हम देखते हैं ना, इस वजह से दोनों के नेम का इनिशियल निकल कर आता है। यहाँ पर पी हो सकता है, जे हो सकता है, जे जोकर वाला जे, एम, डी, ओ हो सकता है, ओ, एच, ई, एन। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इनिशियल्स निकल कर आए हैं, इनके बर्थ डेट की बात कर लेते हैं, किसी भी महीने की 10 तारीख को इनका जन्मदिन हो सकता है और 9 तारीख को हो सकता है, 5 तारीख को हो सकता है, 3 तारीख को हो सकता है, और देखिए यहाँ पर 21 तारीख को हो सकता है, 20 तारीख को हो सकता है, 4 तारीख को हो सकता है। ठीक है, और देखिए इनका जो बर्थ मंथ है वो हो सकता है अक्टूबर, नवंबर और अप्रैल, मार्च, अप्रैल बहुत स्ट्रॉन्ग है, और मार्च, सितंबर भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो कुछ हमने यहाँ पर साइंस बताए हैं जिससे आप इस रीडिंग को खुद से रिलेट कर पाएंगे, जोड़ पाएंगे कि हाँ बिल्कुल ये चीज़ें आपसे मैच कर रही हैं। ठीक है, और अगर ये चीज़ें ना भी मैच कर रही हो तो आके आप इनकी एनर्जी जान लीजिए। देखिए ये जो पर्सन है ना, ये इस वक्त बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं, जैसे कि इनका कोई भ्रम टूट गया है, जैसे कि इनका विश्वास टूट गया है,
होता है ना कि किसी इंसान पर हम बहुत उम्मीद बना लेते हैं, किसी इंसान को बहुत सही समझ लेते हैं, उसके लिए हम दुनिया से बगावत करते हैं, दुनिया से लड़ाइयाँ करते फिरते हैं कि नहीं ये ऐसा है, नहीं ये ऐसा है, नहीं मुझे इस पर पूरा यकीन है, ऐसा होता है ना कि। लेकिन एक समय पर जब हमारा भ्रम टूटता है तो बहुत तकलीफ़ होती है और लगता है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये इंसान ऐसा करेगा। तो किसी ने इन्हें बहुत बुरी तरह से हर्ट किया है और इस वक्त ये किसी से बात नहीं करना चाह रहे हैं। अब देखिए, हमें यहाँ पर कोई सेपरेशन की स्थिति नज़र नहीं आ रही है, हमें बस ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत बड़ी बातचीत नहीं हुई है आप लोगों के दरमियान। लेकिन हाँ, जैसे कि नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन है, बातचीत हो रही है तो बहुत कम हो रही है। आपने कई बार पूछा कि क्या हो गया क्या हो गया, बट वो कुछ बता नहीं रहे हैं। और फिर आपको ये लगा कि ज़्यादा पूछ कर भी जब कोई इंसान ना बताए तो पीछे नहीं पड़ना चाहिए, तो कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन है, वो बहुत अकेलापन फील कर रहे हैं और इस वक्त किसी से बात नहीं करना चाहते, किसी से कुछ बोलना नहीं चाहते, बताना नहीं चाहते। उन्हें बस पता है उनके मन में कैसी भावना चल रही है, लाइक जैसे कि संन्यास ले लूँ, किसी से बात ना करूँ, कहीं दूर चला जाऊँ, कहीं दूर चली जाऊँ, किसी की शक्ल ना देखूं, किसी को अपनी शक्ल ना दिखाऊं, सब मतलबी हैं, सब धोखेबाज हैं, सब स्वार्थी हैं। उनके मन में इस वक्त इस तरह की भावनाएं भरी हुई हैं। अब देखिए, अगर ये पर्सन मैरिड है जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं, इनकी शादी किसी और के साथ हुई है, तो इनका ट्रस्ट टूटा है इनके पार्टनर की तरफ से, या फिर अगर ये अनमैरिड है तो इनका विश्वास टूटा है इनकी फैमिली की तरफ से, ठीक है। मतलब किसी ने इन्हें डीपली हर्ट किया है, बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, और इसी वजह से ये अकेलापन महसूस कर रहे हैं और इनका बात करने का किसी से भी मन नहीं कर रहा है। बस इन्हें ये लग रहा है कि मन में बहुत बेचैनी है और जैसे सुकून नहीं मिल रहा है, मुझे सुकून कहाँ मिलेगा और मैं कहाँ चला जाऊँ, कहाँ चली जाऊँ, किसी से बात ना करूँ, इस तरह की एनर्जी है इनकी। कभी कभी इन्होंने शायद आपसे इस तरह का बिहेव किया है जिससे कभी कभी आपने फील किया होगा कि शायद ये बहुत नेगेटिव हो रहे हैं। आपको कभी फील हुआ होगा कि शायद कहीं किसी ने ब्लैक मैजिक तो नहीं करा दिया इनके ऊपर, क्योंकि जैसे पहले इनका बिहेवियर था ना आपके लिए, वो सडनली बदलता जा रहा है और आप इनके बदलते व्यवहार से, इनके अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं उससे आप बहुत परेशान हैं। इनके बदलते बिहेवियर से आपको समझ भी नहीं आ रहा है कि कोई इंसान इस कदर रूड कैसे हो सकता है। तो डियर, हम ये कहेंगे कि इधर ब्लैक मैजिक तो नहीं है, लेकिन हाँ, कोई थर्ड पार्टी थी, इनका कोई फ्रेंड हो सकता है या फिर इनका कोई फैमिली मेम्बर जो इनके बहुत क्लोज था, तो उसकी बातों में आकर ये आपके साथ बुरा बिहेव करने लगे थे, सिर्फ और सिर्फ दूसरों की बातों में आकर। आप एक ऐसे इंसान हैं जिन्हें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारी है, हाँ, और आप एक बहुत बड़े मजिशियन टाइप हैं, एक हीलर टाइप हैं। आपको पता है कि ज़िंदगी में मुझे क्या चाहिए, और जो आपको चाहिए होता है आप उसे हासिल कर ही लेते हैं। आपका शुरू से यही सिद्धांत रहा है कि आप अपनी तरफ से कभी किसी से बैर नहीं बनाते, लाइक किसी से लड़ाई झगड़े नहीं करते, आप हर किसी से बहुत प्रेम से बहुत अच्छे से बातचीत करते हैं, लोगों को समझते हैं, समझाते हैं। लेकिन अगर कोई आपके सामने एटीट्यूड दिखाता है तो फिर आप उसको अपना डबल, आप उसको दुगना एटीट्यूड दिखाते हैं कि मैं भी तुमसे कम नहीं हूँ, ठीक है। लेकिन इनके लिए क्या था, इनके सामने आप कई बार झुके, इन्हें आपने कई बार समझाया, हर तरह से मनाया, लेकिन बहुत सारी चीज़ें इनको समझ नहीं आती थी। किसी और की बातों में आकर हमेशा ये आपके साथ लड़ाई झगड़े करना, रूड बिहेव करना और बहुत सारी बातें। हमें लगता है कि अगर आप मैरिड हैं तो इनके फैमिली वाले इन्हें भड़का देते थे कभी कभी, तो उस टाइम पर ये आग बबूला हो जाते थे, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर देते थे लोग और इन सब की बातों में आ जाते थे, आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं देते थे। एक तो इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है भी, और दूसरा कभी कभी जानबूझकर मक्कारी करते थे, आपको जानबूझकर इग्नोर कर लेते थे क्योंकि थर्ड पार्टी इसमें मस्त रहते थे। थर्ड पार्टी मतलब ये नहीं कि इनकी लाइफ में कोई और था, कुछ लोगों के लिए इनका कोई बहुत क्लोज फ्रेंड है, ये मेल हो फीमेल हो,
कि उसके साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील करते, उसके साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते थे और आपको इग्नोर करते थे, तो फिर आपने भी लाइक इग्नोर करना शुरू कर दिया। आपको लगा कि ठीक है, अगर तुम बार बार ऐसे करोगे तो हम कब तक तुम्हारे पीछे भागेंगे। तो आप में से बहुत सारे लोग अपने करियर पर फोकस कर रहे हैं, अपनी लाइफ के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आपको बस हमेशा यही लगता था कि क्या मुझे कभी जस्टिस मिलेगा। मतलब आपने जितना इस इंसान को चाहा है, जितना प्यार दिया है, क्या इसे कभी उन चीज़ों का एहसास होगा। तो डियर यस, डेफिनेटली इनको अब एहसास हो रहा है। हमने बताया ना कि जिस तरह से हो सकता है कि इन्होंने कभी आपको इग्नोर किया हो, आपका दिल तोड़ा हो, छोटी छोटी चीज़ों के लिए कुछ बहुत बड़ा इशू हमें इधर नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। और एक बात हम आपको बताएं, आप थोड़ा सा गलत भी सोच रहे हैं। आपको शायद ये लगता है कि कोई जो थर्ड पार्टी है उसके साथ इनके कुछ नेगेटिव रिलेशनशिप रहे हों, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, हमने बताया कि अटैचमेंट है किसी से बहुत ज़्यादा और किसी के बहुत क्लोज हैं ये, उससे अपनी हर बात शेयर करना, लेकिन ऐसा नहीं कि इनकी लाइफ में जिस तरह से आप हैं इस तरह से कोई और रहा होगा। नहीं जी नहीं, आपकी तरह इनकी लाइफ में कभी कोई और नहीं रहा है, समझ रहे हैं। जो आप हैं वो कभी कोई हो भी नहीं सकता इनकी ज़िंदगी में। बट हो सकता है कि आपके अंदर भी भाव आ गया हो कि शायद ये मुझे धोखा दे रहा है, इसकी लाइफ में कोई और है, ये किसी और के साथ बहुत मस्त है, अब इसे मेरी कोई ज़रूरत नहीं है। आपने शायद कभी ऐसा सोचा हो, ठीक है, और इस वजह से भी आपने इन्हें इग्नोर करना शुरू कर दिया हो, अपने करियर पर फोकस करना शुरू कर दिया हो, लेकिन मन तो आपका भी नहीं लगता काम में। याद तो आप भी बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं, और आपने हमेशा ये सोचा कि इसने मुझे धोखा दिया है तो क्या मुझे जस्टिस मिलेगा। हम आपको बताएं, इन्होंने आपको धोखा नहीं दिया, लेकिन इन्होंने अंधविश्वास किया था किसी पर बहुत ज़्यादा, तो उसकी सज़ा इन्हें मिली है। ईश्वर भी कहते हैं कि कोई भी इंसान हो, आप उस पर विश्वास करिए, उससे प्रेम करिए, लेकिन आप आंख बंद करके विश्वास कर लें ये गलत बात है। आज के टाइम पे खून के रिश्ते भी दुश्मनी में बदल जाते हैं। आज के टाइम पर किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास नहीं करते, अलर्ट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे वो कोई भी हो, अपने मतलब के लिए लोग किसी भी हद तक गिर जाते हैं, अपने मतलब के लिए लोग किसी भी हद तक बदल जाते हैं, ठीक है। तो ईश्वर भी यहाँ पर कहना चाहते हैं कि कभी भी किसी पर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है, और इन्होंने किया था, इस वजह से अब इनका भ्रम टूट गया है। हाँ जी, इनका भ्रम टूट गया है और इन्हें लगता है कि क्या समझा था और लोग कैसे निकले। अब आपसे भी थोड़े बहुत मनमुटाव चल रहे हैं, आप भी थोड़ा सा इग्नोर करने लगे हैं, तो अब हिम्मत तो नहीं पड़ रही है कि आपसे बात करें, क्योंकि इन्हें लगता है कि आप बहुत ज़्यादा टोंटबाजी करेंगे कि आ गए कल ठिकाने, लग गए कल ठिकाने, आ गए लौट कर वापस, तुम्हारा कहीं ठिकाना नहीं है, इस तरह की बातें। इन्हें लगता है कि आप इन्हें टोंट मारेंगे, टोंट कसेंगे इनके ऊपर, तभी ये कहीं दूर जाने के बारे में सोच रहे हैं। एक बात समझिए, अब ये शादी करेंगे ना तो आपसे ही करेंगे। जी हाँ, अभी किसी और से शादी करने के बारे में सोचेंगे भी नहीं, क्योंकि आपके खिलाफ जाकर कई बार इन्हें मुंह तोड़ जवाब मिला है। क्योंकि कहते हैं ना कि जिन्हें हम जवाब नहीं देते उन्हें वक्त जवाब देता है, तो जो वक्त ने इन्हें जवाब दिया है वो बहुत बुरा था, समझ रहे हैं, इन्हें वक्त ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। तो अब ये समझ लीजिए कि इनके मन में बस इन्हें यही है कि अगर अब कभी शादी करनी है तो उसी से करनी है, वरना किसी से भी नहीं करनी है, किसी से भी नहीं करनी है। हम अकेले ही अच्छे रहेंगे, हम सिंगल ही अच्छे रहेंगे। हाँ, और अगर ये मैरिड है, आप अनमैरिड हैं, या फिर आप भी मैरिड हैं, ये समझ लीजिए कि जिनके ऊपर ये बहुत ट्रस्ट करते थे, जिनसे बहुत प्यार करते थे, तो उन्होंने इनका दिल तोड़ दिया है और इस वजह से बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं, किसी से बात नहीं करना चाहते, थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्टेड हो रहे हैं, ये इंटरेस्ट ले रहे हैं मेडिटेशन करना, है ना। पहले ये समाज के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते थे, क्योंकि देखिए आप लोगों का यहाँ पर हमें लग रहा है कि इंटरकास्ट इशू भी है, रिलीजन इशू है, कुछ लोगों का एज डिफरेंस इशू है, और फैमिली इशू तो बहुत स्ट्रांग है। जी हाँ, तो अब जो पहले सोचते थे ना कि लोग क्या कहेंगे, समाज के लोग क्या कहेंगे, तो वो डर इनके अंदर से ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे, और इन्हें ये लग रहा है कि मैं जब भी लाइफ में प्यार के मामले में सोचूंगी या फिर सोचूंगा, तो फिर मुझे वही चाहिए,
मतलब कि आप ही चाहिए। आप लड़ते हो, झगड़ते हो, लेकिन इन्हें प्यार भी करते हो। इन्हें आपके बहुत सारी बातों का एहसास अब होता है। जब पहले आप समझाते थे तो पहले इन्हें एहसास नहीं होता था, लेकिन अब इन्हें लगता है कि हाँ आप सही कहते थे, आप सही कहते हो, आप हमेशा सही होते थे, ये ही गलत होते थे। और अगर आपके दरमियान फैमिली इशू है, अगर आप लोगों के दरमियान फैमिली इशू है, तो डियर इतना समझ लीजिए कि बहुत जल्द ये सारे बंधन तोड़कर आपके पास आएंगे, क्योंकि फैमिली की हकीकत इनको दिख गई, इनको इनके परिवार का सच दिख चुका है। अगर ये आपके हस्बैंड और वाइफ हों और इनकी फैमिली आप दोनों को अलग कर रही थी, आपके पार्टनर की फैमिली आप दोनों को अलग कर रही थी, तो इतना समझिए कि अब इन्हें इनके परिवार का सच दिखने लगा है, और उन चीज़ों के लिए अब इनको गिल्ट भी हो रहा है। अब थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम भी है, एटीट्यूड है थोड़ा सा, जिसकी वजह से झुकना नहीं चाहते ये कि अपनी गलती एक्सेप्ट कर लें, आपसे बता दें कि हाँ तुम सही कहते थे। मन में तो यकीन हो चुका है कि हाँ आप सही कहते थे, लेकिन अब दोबारा अब मतलब कि आपके सामने इन्हें झुकना पड़ेगा, और आप इनको कहेंगे कि देखो मैं हमेशा सही थी, मैं हमेशा सही था, तो इन्हें लगता है कि इसमें मुझे नीचा दिखाएंगे आप, मतलब आप इन्हें नीचा दिखाएंगे, और इसी वजह से ये कहीं जाने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ दिन एकांत में रहने के बारे में सोच रहे हैं। न्यू बिगनिंग करेंगे, बहुत जल्द आपसे न्यू बिगनिंग करेंगे, विद इन 10 डेज आप में से बहुत सारे लोगों के दरमियान न्यू बिगनिंग होने के फुल चांस हैं। आप लोग कहीं घूमने भी जाएंगे, डेट शेट करेंगे, मतलब कि बहुत सारी चीज़ें सही होने के चांस हैं यहाँ पर। हाँ, आपके जो पार्टनर है ना, वो आप किसी से नहीं डरने वाले, आप किसी से नहीं डरने वाले, ना परिवार से, ना समाज से, किसी से नहीं, और खुलकर अपनी फैमिली में बात करेंगे। अगर वो आपको एक्सेप्ट करते हैं तो ठीक है, और नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं। उनके मन में अब इस तरह की भावनाएँ चल रही हैं, समझ रहे हैं। पहले उन्होंने बहुत बोझ ढो लिया परिवार का, जिम्मेदारियां ढो ली परिवार की, लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा ढोने वाले नहीं हैं। अब उन्हें लगता है कि मेरी भी अपनी ज़िंदगी है और मुझे उसके लिए एक्शन लेना है। जब भी आप इनके बारे में सोचते हैं, 11-11 बहुत दिखाई देता है आपको, 333 बहुत दिखाई देता है, 1010 बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। एंजल्स कहना चाहते हैं कि बी पॉजिटिव, आप जैसा सोचेंगे वैसा होगा, और आप जो सोच रहे हैं कहीं ना कहीं वो मैनिफेस्ट हो रहा है। और हमें पता है कि आप अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर भी रहे हैं इनडायरेक्ट वे में, टेलीपैथी के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू। तो डियर, आपको जरा सी भी रत्ती भर भी टेंशन नहीं लेनी है। देखिए, देर आए दुरुस्त आए, ठीक है। अब इन्हें एहसास हुआ तो इन्हें ये भी लगेगा कि हाँ सही है, जल्दी इतनी आसानी से गलती मानने वाले नहीं है ये, आपको पता है ये कि झुकते नहीं किसी भी कीमत में, झुकाना पसंद करते हैं पर झुकना पसंद नहीं करते, ठीक है। क्योंकि हमने आपको बताया था इधर फायर साइन बहुत स्ट्रांग है और अर्थ साइन बहुत स्ट्रांग है। इस साइन के लोग पता है थोड़ा सा ओवर थिंकिंग कर लेते हैं कभी कभी, और इन्हें झुकने में बहुत दिक्कत होती है। इन्हें लगता है कि अगर हम झुकेंगे तो कहीं सामने वाला हमें नीचा ना दिखाने लगे, अगर हम झुकेंगे तो कहीं सामने वाला हमें यूं ही ना समझ ले, है ना, तो इस वजह से। तो डियर, आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आप जस्टिस का वेट कर रहे हैं, इनके साथ यूनियन रियूनियन का वेट कर रहे हैं, तो बहुत जल्द ये अपने किसी दोस्त के थ्रू आपको मैसेज भेजेंगे। हो सकता है कि ये किसी न्यू नेम से आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे, आपको फॉलो करे, क्योंकि ये आपको स्टॉक तो कर रहे हैं, ये आपको स्टॉक तो कर रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन किसी न किसी के थ्रू अपनी सिफारिश करवा सकते हैं, अपनी सिफारिश करवा सकते हैं कि चलो जो हो गया सो हो गया, अब माफ़ करो, लाइफ में आगे बढ़ो। इनका कोई दोस्त हो जिसे आप भी जानते हों और ये भी जानते हों, ठीक है। ईश्वर भी आपसे यही कहना चाहते हैं कि जो हो गया उसे भूल जाना और इन्हें अब एक्सेप्ट कर लेना। थोड़ी सी इनकी ईगो प्रॉब्लम है, वो भी ठीक हो जाएगी समय के साथ, ठीक है, समय के साथ। थोड़ा सा इन्हें वक्त देना सुधारने के लिए, बाकी ईश्वर ने, एंजल्स ने इनकी अकल ठिकाने लगा दी है। कहते हैं ना कि समय
अच्छे अच्छों को सबक सिखा देता है। तो जिनके लिए इनके मन में बहुत ज़्यादा गुमान था, इनके अंदर एटीट्यूड था कि ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, ये मेरे लिए ये कर सकते हैं, वो मेरे लिए जान दे सकते हैं, तो वो सारा भ्रम अब इनका टूट गया है। और इसी वजह से अब ये लाइक किसी से बातचीत नहीं करना चाह रहे हैं, बहुत बहुत अलोन फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। बाकी हम आपसे ये कहेंगे कि आप अपना मेडिटेशन मैनिफेस्टेशन कंटिन्यू रखिए, ठीक है, और बहुत जल्द विद इन 10 डेज आप दोनों के दरमियान न्यू बिगनिंग होने के पूरे पूरे चांस हैं। क्योंकि एंजल्स जिस तरह से इनकी हीलिंग कर रहे हैं, उस तरह से देखकर तो यही लगता है कि विद इन 10 डेज आप दोनों के दरमियान सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो डियर, इनका जो नेक्स्ट एक्शन है ना, वो ये है कि कुछ दिन बाद हमें लगता है कि विद इन 10 डेज, विद इन 3 डेज ये आपके लिए एक्शन ले लेंगे। हाँ, और एक बात पक्की समझ लीजिए कि आपका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन तो है इनके साथ, क्योंकि जहाँ पर आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए अपनी फैमिली में भी लोगों से लड़ जाते हैं, आप किसी की सुनते नहीं हैं और आप इनकी सुन रहे हैं, इनकी बर्दाश्त कर रहे हैं, तो हम आपको एक बात बताएं कि इनके साथ वाकई में आपका एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। यूं ही नहीं, आपका झुकाव इनकी तरफ इतनी ज़्यादा है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। और इसीलिए ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि टेंशन मत लीजिए, जल्द से जल्द ये आपकी लाइफ में आएंगे। तो डियर, हमने आपको बता दिया है, आई होप आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए, कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि डियर लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके एक चैनल स्पिरिचुअल लव 111 में। डियर, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेकर, जिनके बारे में आप दिन रात सोचते हैं, जिन्हें आप मैनिफेस्ट करते हैं, जिनके लिए आप पता नहीं क्या 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 कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। सबसे पहले इधर हम साइन और एलिमेंट्स की बात करें। देखिए, इधर जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, कर्क वृश्चिक मीन राशि, वाटर साइन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, मिथुन तुला कुंभ राशि, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न भी है, लेकिन एरीज लियो सेजिटेरियस बहुत कम है, वृषभ कन्या मकर राशि भी है, लेकिन मेष सिंह धनु राशि यहाँ पर बहुत कम है। इनके नेम के इनिशियल की बात करते हैं, आर एस सी एच डी के ओ, ठीक है, ये इनके नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं। आपके नेम का भी इनिशियल हो सकता है ये, क्योंकि ये यहाँ पर ऐसी एनर्जी निकल कर आती है जहाँ पर आप दोनों की एनर्जी हम चेक करते हैं। देखिए, इनके बर्थ मंथ की बात करें, इनका बर्थ मंथ हो सकता है मई और मार्च और जून और नवंबर, जुलाई अक्टूबर, समझ रहे हैं, ये जो पर्सन है ना, ये इनका बर्थ मंथ हो सकता है। डेट की बात करते हैं, किसी भी महीने की 3 तारीख को 4, 12, 10, 2, 1, 2 तारीख बहुत स्ट्रॉन्ग है, हो सकता है कि आपका जन्म हुआ हो 2 तारीख को या फिर उनका, क्योंकि दोनों की जो एनर्जी है वो मिक्स है इसमें। और देखिए, 11 तारीख को, 3 तारीख को, 7 तारीख को, 21 तारीख को, 13 तारीख को, ये यहाँ पर कुछ डेट हैं जो हम आपको बता रहे हैं। इस डेट में
इनका जन्म हुआ होगा। ये जो नंबर्स हैं ना थोड़े स्ट्रांग हैं, तो ये इनकी डेट हो सकती है, इनके जन्म की तारीख हो सकती है। ठीक है, अब देखिए इधर हम थोड़ा सा इनके नेचर की बात करें, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। डियर, ये बहुत अच्छे इंसान हैं, दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन पता है इनका इनके गुस्से पे कंट्रोल नहीं है, इनका इनके शब्दों पे कंट्रोल नहीं है। लाइक बोलने से पहले सोचते नहीं है कि मैं जिस तरह से रूडली बिहेव कर रहा हूँ ऐसे सामने वाले को हर्ट हो सकता है, वो दुखी हो सकता है, समझ रहे हैं। तो ये ना लिमिट क्रॉस करके लाइक हर्ट कर सकते हैं किसी को भी, सिर्फ और सिर्फ इनके नेचर की वजह से। इनका जो मन है ना वो बहुत अशांत रहता है हमेशा। क्या है ना कि इनके फैमिली में इनकी किसी से बनती नहीं है, जिनके लिए भी आप देख रहे हैं। कुछ लोग यहाँ लोग अपने न्यू कनेक्शन के लिए देख रहे हैं, लेकिन कुछ लोग अपने एक्स पर्सन के लिए देख रहे हैं। इन्हें हमेशा इस बात का एहसास होता है, अफसोस होता है कि अक्सर ये ना चाहकर भी आप पर गुस्सा करते हैं, ये ना चाहकर भी आपके साथ रूड बिहेव करते हैं। ये करना नहीं चाहते क्योंकि आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। आपको पता है ये जितना महसूस करते हैं ना आपके लिए उतना बता नहीं पाते, कभी शब्दों में अपने एहसासों को अपने जज्बातों को बयां नहीं कर पाते कि ये आपसे किस कदर मोहब्बत करते हैं। ये आपके साथ कंप्लीशन महसूस करते हैं। इन्हें हमेशा ये फील होता है कि आपके आने से इनकी लाइफ जैसे कंप्लीट हो गई है, अब इन्हें कुछ और नहीं चाहिए। जी हाँ, और जैसा आप महसूस करते हैं ना सेम टू सेम ये भी वैसा ही महसूस करते हैं। हमें तो ऐसा लगता है कि इधर शायद कुछ लोग ट्विन सोल जड़ने वाले हैं, मतलब कि प्रेम इतना ज़्यादा आत्मा से है कि एक दूसरे की एनर्जी आप दोनों महसूस कर लेते हैं। आप दोनों की एनर्जी ना मिरर करती है, जैसे कि आप दोनों एक दूसरे की परछाई हैं। बहुत सारी हैबिट्स, बहुत सारी पसंद नापसंद आप दोनों की एक जैसी है, खाने में पीने में कपड़ों में, ड्रेसिंग सेंस भी सेम ही है, बहुत सारी चीज़ों का कलर भी हो सकता है जो आपका फेवरेट कलर हो वही उनका भी हो, बहुत सारी चीज़ें मैच करती हैं यहाँ पर। और पता है बस इनका जो नेचर है ना उस नेचर से ये भी दुखी हैं, ये अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाते और गुस्से में बहुत रूड हो जाते हैं। जो लोग अपने न्यू कनेक्शन के लिए रीडिंग देख रहे हैं तो उनके पार्टनर पता है हमेशा यही सोचते हैं कि कभी ऐसा ना हो कि ये आपको खो दे अपने गुस्से की वजह से। इनको ज़िंदगी में धोखे बहुत मिले हैं, पहले बहुत अच्छे हुआ करते थे, ये इधर वाटर साइन है ना, पहले बहुत अच्छे हुआ करते थे लेकिन अब बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए हैं। पहले सोच समझ कर बोलते थे, सबके दिल की परवाह करते थे कि मेरे ऐसे बोलने पर सामने वाला हर्ट ना हो जाए, सामने वाला दुखी ना हो जाए। लेकिन अब नहीं सोचते हैं क्योंकि ज़िंदगी में इन्हें लोगों ने बहुत चीट किया है, ज़िंदगी में इन्हें लोगों ने बहुत ज़्यादा धोखे दिए हैं, इनके अपने हों, इनके फ्रेंड्स हों, बहुत सारी चीज़ें इनको ऐसी ऐसी सिचुएशन में लाके छोड़ा है जहाँ पर इनको बस ये लगता था कि जीऊँ या फिर मर जाऊँ। जिन पर भी इन्होंने लाइफ में बहुत ट्रस्ट किया उन लोगों ने इनका ट्रस्ट बुरी तरह से तोड़ा, इस वजह से ये ऐसी एनर्जी पे आ ही गए हैं। इन्हें बस ऐसा लगता है कि मैं क्या करूं, मेरे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। और अब ऐसा हो गया है कि अच्छे अच्छे इंसान पर भी इन्हें ट्रस्ट इशू हो जाता है, किसी पर भी आसानी से ट्रस्ट नहीं कर पाते, हर किसी से बहुत बुरा बोल जाते हैं, बहुत रूडली बिहेव कर देते हैं, कभी कभी आपसे भी बहुत ज़्यादा अजीब तरीके से बात करते होंगे, तो आपको लगता होगा कि ये कौन सी बात हुई। बस हाँ, ये आपको खोने से बहुत डरते हैं, बहुत ज़्यादा डरते हैं, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, ये आपसे शादी करना चाहते हैं, ये आपके साथ कई जन्मों का रिश्ता महसूस करते हैं, और इन्हें लगता है कि आपके आने से इनकी लाइफ में धीरे धीरे काफ़ी चेंजेस हो रहे हैं। जो लोग अपने न्यू कनेक्शन के लिए देख रहे हैं, इधर दो कंडीशन है, कुछ लोग अपने एक्स पर्सन के लिए देख रहे हैं, कुछ लोग अपने
लाइक क्रश के लिए देख रहे हैं, किसी न्यू पर्सन के लिए देख रहे हैं। इन्हें लगता है कि आज नहीं कल आप इन्हें बदल देंगे, आज नहीं तो कल आपके आने से इनकी लाइफ में काफ़ी चेंजेस हो जाएंगे, क्योंकि इनकी लाइफ में ऐसा कोई भी नहीं है जिसके लिए खुद को बदलने के लिए तैयार हो। समझ रहे हैं, ये अपने आप को किसी और के लिए कभी बदल नहीं सकते। इन्हें भी पता है कि इनमें बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन ये सुधारना चाहते हैं, पर किसके लिए, किसके लिए जिए, किसके लिए खुद को सुधारें, किसके लिए खुद के अंदर चेंजेस लेकर आएं। और अब वो पर्सन आप लगते हैं इन्हें, इन्हें लगता है कि हाँ ये आपके लिए खुद को बदलेंगे। हाँ, अगर आप इनकी ज़िंदगी में रहें तो इनके अंदर काफ़ी चेंजेस आ सकते हैं, इनका जो नेचर है ना उसमें काफ़ी परिवर्तन आ सकता है। इन्होंने पता है अपनी लाइफ में बहुत सारे अच्छे अच्छे रिश्ते भी खोए हैं अपने गुस्से की वजह से। इनका नेचर इस कदर हो गया कि इनको लाइफ में दो चार बार धोखे मिले थे, उसके बाद इन्होंने अच्छे लोगों पर भी ट्रस्ट नहीं किया, और वो अच्छे होते थे, इनका भला सोचते थे, लेकिन कहीं ना कहीं अपने गुस्से की वजह से, रूड बिहेवियर की वजह से, स्ट्रेट फॉरवर्ड होने की वजह से, एक्स्ट्रा सोचने की वजह से, ओवर थिंकिंग करने की वजह से बहुत सारे अच्छे अच्छे रिश्ते इन्होंने खो दिए हैं। कुछ अच्छे अच्छे दोस्त इनके इन्होंने खो दिए हैं, जिसका गिल्ट इन्हें इतना ज़्यादा है कि अब इन्हें लगता है कि ये आपको नहीं खो सकते। अगर इन्होंने आपको खो दिया तो फिर ज़िंदगी में कभी खुश नहीं रह पाएंगे। आप बहुत समझदार हैं, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं। आपके साथ इनका इंटरकास्ट इशू हो सकता है, रिलीजन इशू हो सकता है, एज डिफरेंस इशू भी हो सकता है, पर इन्हें लगता है कि आपको तो नहीं खोना, बस किसी कीमत में आपको तो नहीं खोना। अगर ये आपको खो देंगे ना तो फिर ये लाइफ में कभी बदल नहीं पाएंगे, लाइफ में कभी सुधर नहीं पाएंगे। आपको पता है कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुधरना तो चाहते हैं लेकिन उनके घर वाले उन्हें सुधरने नहीं देते, ऐसा बनने पर उन्हें मजबूर कर देते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ ज़िंदगी में ऐसे लोग आते हैं जिनके लिए बदलने का मन करता है, जिनके लिए सुधरने का मन करता है, और उन्हीं में से ये आप हैं। आप हमें लगता है कि काफ़ी स्टेबल हैं, फिनेंशियली बहुत स्टेबल हैं, आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक तरीके के हीलर हैं, समझ रहे हैं, और आप हमेशा महसूस करते हैं कि आपके ऊपर ईश्वर का हाथ है, और ये भी महसूस करते हैं कि कोई दैवी शक्ति है जो शायद इसके साथ चलती है, क्योंकि जब भी आपसे बात करते हैं ना तो इन्हें बहुत अच्छा लगता है, आपका सजेशन इनके लिए बहुत अच्छा साबित होता है, आपकी एडवाइस इनके लिए बहुत अच्छी साबित होती है, और इन्हें लगता है कि आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, आप बहुत टैलेंटेड हैं। इन्हें लगता है कि आप इन्हें सुधार सकते हैं, आप इनकी ज़िंदगी बदल सकते हैं, आप हर तरीके से बहुत खुश हैं अपनी लाइफ में, लेकिन आपकी लाइफ में पैसे तो हैं पर सुकून नहीं है, थोड़ा सा अकेलापन है, प्यार की कमी है। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए बोल रहे हो, और आप इन्हें बहुत अच्छा इंसान समझते हैं, आपको पता है कि बड़बोले तो हैं लेकिन ये दिल के बहुत अच्छे हैं, ये दिल के बहुत साफ हैं। कुछ लोग होते हैं जो अपने मन में मैल रखते हैं, अपने मन में जहर घोलते रहते हैं, चुप रहते हैं, ठीक है, लेकिन ये ऐसे हैं जो बात है इनके मन में वो मुंह पर बोल देना, चाहे भला लगे या फिर बुरा लगे, ये इसकी परवाह नहीं करते, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है और आपको ये पसंद है। आपको लगता है कि कम से कम ये इंसान चालबाजी तो नहीं करता, कम से कम ये इंसान बटरिंग तो नहीं करता, आपको ऐसा ही इंसान चाहिए था लाइफ में, बस आप चाहते हैं कि थोड़ा सा सुधर जाएं। तो डियर, ये जो पर्सन है ना, ये आपके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन महसूस करते हैं और आपको बहुत अच्छा इंसान समझते हैं, आप इनको लगता है कि आपका और इनका कोई लेवल नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली हैं कि आप इनकी ज़िंदगी में आए। आप जितने स्मार्ट हैं, गुड लुकिंग हैं, खूबसूरत हैं, अंडरस्टैंडिंग हैं, हो सकता है कि आप कोई सोशल वर्कर हों, आपके काफ़ी फ़ैन फॉलोइंग हो, तो उसकी वजह से इन्हें लगता है कि मेरी तो किस्मत खुल गई कि ये इंसान मुझे मिला, लेकिन मुझे डर है कि मैं अपनी हरकतों की वजह से कहीं इसे खो न दूँ। हो सकता है कि ये कोई नशा वगैरह करते हों, हाँ थोड़ा सा होता है ना कि कुछ लोगों को एडिक्शन हो जाता है कुछ चीज़ों का, वो उसे छोड़ नहीं पाते, समझ रहे हैं, तो ये पर आपके लिए छोड़ना चाहते हैं, आपके लिए सुधरना चाहते हैं, और इन्हें लगता है कि अगर आपका साथ रहा, आपका प्यार रहा, तो डेफिनेटली ये खुद को बदल देंगे। कभी कभी आप इनसे रूठ जाते हैं, कभी कभी आप इनसे बात नहीं करते थोड़ा बहुत, तो इन्हें लगता है कि मैं कैसे रहूँगा,
जब से इंसान आया है मेरी ज़िंदगी में कितने चेंजेस हुए हैं, और अगर ये अब चला गया ना तो मैं कैसे जीऊँगा, कैसे रहूँगा। और देखिए जितने लोगों के ये एक्स हैं, हम आपको बताएं, अगर ये अभी आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं तो इनकी एनर्जी सेम आपकी तरह है, सुखी ये भी नहीं है, और आपकी अहमियत का एहसास अब इन्हें हो चुका है, आपकी क्या वैल्यू है इनकी ज़िंदगी में अब इन्हें पता चल चुका है, और इस वजह से ये अब इस रिश्ते में एक ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं, एक बदलाव करना चाहते हैं, आपको अप्रिशिएट करना चाहते हैं, आपको वो देना चाहते हैं जिस प्यार के आप हकदार हैं, और आपके साथ एक बहुत अच्छा सा कनेक्शन, एक बहुत अच्छा सा बॉन्ड बनाना चाहते हैं। इन्हें एहसास हुआ कि आपके साथ ही इनकी लाइफ कंप्लीट होनी है। जो लोग 4 दिन के लिए ज़िंदगी में आते हैं ना, वो घर तो बर्बाद कर देते हैं पर वो ज़िंदगी भर साथ नहीं निभाते, उस चीज़ का एहसास इन्हें अब हुआ है, और इसी वजह से ये आपसे कहना चाहते हैं कि सॉरी, मुझे माफ़ कर दो मेरे रूड बिहेवियर के लिए, सॉरी मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपको कभी समझा नहीं, अप्रिशिएट नहीं किया, प्यार नहीं दिया, लेकिन हाँ मुझे अफसोस ज़रूर है, कुछ चीज़ों का एहसास ज़रूर है कि हाँ वो मेरी गलती थी। अगर आप मुझे एक चांस दोगे ना तो डेफिनेटली मैं इस रिश्ते में एक न्यू बिगनिंग लेकर आऊँगी, एक न्यू बिगनिंग करेंगे हम, मैं इस रिश्ते में सब कुछ बदल के रख दूँगी, बदल कर रख दूँगा, ट्रस्ट में। और जिस जस्टिस की उम्मीद आप करते हैं ना कि आपको प्यार मिले, आपका जो हक है, आपको सम्मान मिले, रेस्पेक्ट मिले, वो सब कुछ आपको मिलेगी। और हम आपको एक बात बताएं, कहीं ना कहीं एंजल्स की ब्लेसिंग है आपके साथ। अगर आप किसी न्यू कनेक्शन के लिए देख रहे हैं तो डेफिनेटली ईश्वर ने ही आप दोनों को मिलाया है, आप दोनों यूं ही नहीं मिले हैं। इनकी जो एनर्जी है, चलिए हम एक सॉन्ग याद आ रहा है, हम आपको सुनाते हैं, ये सॉन्ग दोनों कंडीशन में मैच होगा। आपकी जो भी कंडीशन हो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, अगर आप किसी न्यू कनेक्शन के लिए देख रहे हैं तो भी, अगर आप अपने एक्स पर्सन के लिए देख रहे हैं तो भी, ठीक है। दिल का रिश्ता तोड़ जो दोगे मर जाएंगे, छोड़ जो दोगे दिल का रिश्ता तोड़ जो दोगे मर जाएंगे, छोड़ जो दोगे सिर्फ लबों पे आते नहीं मेरे दिल में वो जज्बात भी हैं, यूं भीगी भीगी सी बरसात भी है, हम दम तेरा साथ भी है, यूं भीगी भीगी सी बरसात भी है, हम दम तेरा साथ भी है। दिल का रिश्ता तोड़ जो दोगे मर जाएंगे, छोड़ जो दोगे सिर्फ लबों पे आते नहीं मेरे दिल में वो जज्बात भी हैं, यूं भीगी भीगी सी बरसात भी है, हम दम तेरा साथ भी है। इन्हें लगता है कि आपके साथ इनकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, बहुत अच्छी। हम एक बात बताएं, अगर आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, आप बहुत अच्छी जॉब करते हैं, आपका बहुत अच्छा स्टेटस है, ठीक है, आप बहुत अच्छी तरह से अपनी लाइफ में स्टेबल हैं, फिनेंशियली कोई कमी नहीं आपकी ज़िंदगी में, लेकिन ये जो इंसान है ना, इन्हें आपसे कोई लालच नहीं है, जी हाँ, ये सिर्फ और सिर्फ आपके नेचर, आपके प्यार, आपके व्यवहार की वजह से आपसे प्यार करते हैं, ना कि आपकी पावर पोजीशन से आपसे प्यार करते हैं, समझ रहे हैं। इन्हें खुशी होती इस बात की कि आज के समय में भी एक इतना अच्छा इंसान जो कि हर तरह से सक्षम है, वो इतना सरल हो सकता है, इतना सहज हो सकता है, जैसे कि कोई एटीट्यूड नहीं, कोई ईगो नहीं, किसी भी तरीके का कोई घमंड नहीं,
इस बात की इन्हें बहुत ज़्यादा खुशी है और इसी बात के लिए आप पर मर मिटे हैं। इन्हें पता है कि आपको दुनिया भर की नॉलेज है, आप हर तरह का ज्ञान रखते हैं, अच्छा भी और बुरा भी, लेकिन इन्हें लगता है कि आप इनकी ज़िंदगी बदल सकते हैं, आप इन्हें सुधार सकते हैं और इसी वजह से ये चाहते हैं कि आप इन्हें कभी छोड़ कर ना जाएं। दिल का रिश्ता तोड़ जो दोगे मर जाएंगे, छोड़ जो दोगे, सिर्फ लबों पे आते नहीं मेरे दिल में वो जज्बात भी हैं, यूँ भीगी भीगी सी बरसात भी है, हमदम तेरा साथ भी है। अब देखिए, अगर आप अपने एक्स पर्सन के लिए देख रहे हैं तो इन्हें अफसोस है, इन्हें गिल्ट है कि इन्होंने हमेशा आपको इग्नोर किया, आपके प्यार को हमेशा इग्नोर किया। आप इन्हें इतना प्यार देना चाहते थे लेकिन ये हमेशा दूसरों के बारे में सोचते थे, दूसरों के पीछे भागते थे, तो आज इन्हें भी अफसोस है और इस वजह से ये आज आपसे कहना चाहते हैं कि प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे एक्सेप्ट कर लो, मुझे एक चांस दे दो, हम एक न्यू बिगनिंग करेंगे। मेरे अंदर का जो शैतान था ना, शैतान थी ना, लाइक जो आपको भला बुरा बोलता था, जो आपके साथ रूड बिहेव करता था, जो हमेशा आपको नीचा दिखाता था, जो हमेशा अपनी मनमानी करता था, जो हमेशा आपको इमोशनली ब्लैकमेल करता था, वो राक्षस, वो शैतान मर चुका है। मेरे अंदर एक नया इंसान आया है और चाहो तो आजमा कर देखो, एक बार एक चांस दे कर देखो, ये आपसे कहना चाहते हैं, समझ रहे हैं। तो डियर, आपकी कौन सी कंडीशन है हमें ज़रूर बताइए। और हमने आपको बताया ये सारी समस्याओं को ख़त्म करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं इसमें एंजल्स, ईश्वर इनका साथ दे रहे हैं। अब इन्हें एहसास हो चुका है आपकी कमी का, आपके प्यार का, और आप अपनी लाइफ में अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे फोकस कर रहे हैं। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों की शादी भी हो रही है, फिर हो चुकी है, इनकी भी हो सकती है कि इनकी भी हो चुकी थी शादी, आपकी भी हो चुकी है, लेकिन अभी इस टाइम पर आप अपनी फैमिली पर ध्यान दे रहे हैं, अपने करियर पर ध्यान दे रहे हैं, आप टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, आपने बहुत ज़्यादा इन पर टाइम दिया है अपना, आपने बहुत एफर्ट्स लगाए हैं, आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है इन्हें, बहुत केयर की है इनकी, लेकिन जब आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिला तो आपको यही लगा कि आप कब तक इनके पीछे भागेंगे, बेहतर है कि आप अपने करियर पर ध्यान दें। तो अब इन्हें अफसोस हो चुका है और ये आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। अब देखिए, डिसीजन आपका होगा कि आपको इन्हें एक्सेप्ट करना है कि नहीं। लेकिन जो लोग न्यू कनेक्शन के लिए देख रहे हैं उनके लिए हम यही कहेंगे कि डियर, ये आपको जान से भी ज़्यादा प्यार करते हैं और इतना समझिए ये किसी भी कीमत में आपको खोना नहीं चाहते। और अगर जिस दिन इन्होंने आपको अपनी बदतमीजियों की वजह से खो दिया, वो इनकी ज़िंदगी का सबसे दुखपूर्ण दिन होगा, समझ रहे हैं, दुखदायी दिन होगा, क्योंकि ये आपको इतना इतना ज़्यादा प्यार करने लगे हैं, इतनी रेस्पेक्ट करते हैं आपकी। आई होप आप समझ गए होंगे कि उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। ठीक है, जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए, कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि डियर आपको पता है कि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे, आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद्मे हम, ओम साईं राम।